मेरा नाम मैम सईद गासिब कादरी है। तो कहाँ से आप? मैं दरगाह हजरत बल। तो वेटलिफ्टिंग कब से शुरू की और आज जो यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है इस बारे में बताइए। मैम वेटलिफ्टिंग एक दो साल हो गए, हमारे कोच शौकत नरवारी सर ने बहुत मेहनत की हम सब बच्चों पे और हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने का वो मौका दिया और मैम काफी उनने हमारे लिए सैक्रिफाइसेस की और हमें बहुत बहुत डेडिकेशन के साथ हमें आगे बढ़ाया। आपको लगता है कश्मीर में प्लेटफॉर्म से जहां पे आपको खेलने का मौका मिलता है या अपना जो आपका जो टैलेंट है वो दिखता है? बिल्कुल मैम, आजकल बिल्कुल प्लेटफॉर्म हमें मिलता है और अच्छी कोचिंग भी मिल रही है जिसके वजह से आज यहां पे इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर पा रहे हम। इंशाल्लाह प्रैक्टिस अच्छी है हम लोगों की, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जरूर जो खुदा तआला ने अच्छा लिखा होगा वो जरूर हमें मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एक कंपटीशन है, इसमें हम सिलेक्शन हो जाती है कि कौन कितना उठा पाता है, उसके लिए फिर सिलेक्शन हो पाती है कि जैसे कि हम जितना उठा पाएंगे ना इसलिए हमने अपनी कैटेगरी के हिसाब से उठाया, फिर हमें आगे स्टेट में सिलेक्शन होती है, नेशनल्स में सिलेक्शन होती है, फिर आगे अपने लिए अपने सेल्फ के लिए मैंने गेम खेली, आगे इंडिया का नाम रोशन करने के लिए आगे खेली मैंने। इंशाल्लाह कि जैसे हम खेल रहे इस टाइम इंशाल्लाह ऐसे प्रैक्टिस रही तो इंशाल्लाह नेशनल्स के लिए इंटरनेशनल्स के लिए इंशाल्लाह अगर खुदा ने साथ दिया और इंशाल्लाह रहा तो ओलंपिक में भी जाएगी। सबसे पहले आपका नाम? मोहम्मद अंसर भाट। बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस। बस वो हर किसी स्पोर्ट्स में आ जाए मगर आए। देखिए ये वेटलिफ्टिंग डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप थी श्रीनगर की और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बाकी डिस्ट्रिक्टों से काफ़ी अच्छा कंपटीशन होता है, इसमें अच्छे अच्छे वेटलिफ्टर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कुल मिला के अगर हम ये कहें कि इसमें अच्छी वेटलिफ्टिंग देखने को मिलती है तो ये बात बिल्कुल सही है। एक नंबर दो, हमारे आज के वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में 8 बच्चों ने नेशनल क्वालिफाइंग मार्क को ब्रेक किया, यानी कि इस साल हमारे 8 बच्चों ने नेशनल क्वालिफाई कर लिया, तो इंशाल्लाह इस साल में हमारे 8 बच्चे नेशनल में जाएंगे और उनमें से 2 की उम्मीद ये है कि वो मेडल लेके भी आएंगे। वेटलिफ्टिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, इसमें मेडल लाना बहुत बड़ी बात है, ये माइनर गेम नहीं है, ये मेजर गेम में शुमार की जाती है और अगर आप टोटल मिला के ओलंपिक की बात करें इंडिया की तो वेटलिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग के बहुत सारे मेडल्स अभी तक आए हुए हैं। देखिये लड़कियां अब आप पिछले 8-10 सालों में ये देखते हो कि लड़कियां बिल्कुल भी अब स्पोर्ट्स में पीछे नहीं है, लड़कियां बिल्कुल लड़कों के बराबर स्पोर्ट्स में आती जाती हैं, तो लड़कियां जो हमारी एक लड़की है सलबीन उसका नाम है, बहुत अच्छी लिफ्टिंग की है आज।